ईश्वर कौन? एक निराकार सत्यम शिवम सुंदर है, निराकार शिव है, उसको अपना शरीर नहीं, पराया शरीर के द्वारा दूसरों के शरीर में आके ज्ञान सुनाता है। तो पहले ब्रह्मा बाबा के तन में आके सुनाता है, अभी बाप और दादा दुर्गा दादी के तन में ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों, तो इसका पूरा ज्ञान चाहिए। तो समझ में आया मुरली सुनने से क्या होता है, मुरली सुनने की विधि क्या है। बाबा के कमरे में जाके कभी कोई भी दिल में प्रश्न है कुछ भी है, इधर उधर पूछो नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। बाबा ने स्थान दिया है एक जगह बाबा के कमरे में बैठ के बाबा से। हाँ, फिर भी एक प्रश्न है, सभी माताएं भोग लगाते हो बाबा को? लगाते रोज? बाबा खाता है? अच्छा, लेकिन भोग अगर आप कहते हो, ये माता जी कहती है भाई जी हमारे घर में अकेले माता जी के हमें चलती है और सभी प्याज लहसुन मछली कुछ खाते हैं, तो वो भी भोग लगाएंगे ना? नहीं लगाना है। अगर उनको भोग लगाना तो क्या करे? नहीं लगाना, नाम छोड़ दे। वो कहते मुझे तो रोज भोग लगाना है। हाँ, माता जी सही कहती है। तो याद रखना, जिसके घर में अगर अकेले माता चलते हो कि को बाकी कोई नहीं चलता तो क्या करे? हाँ, भोग आप लगाओ, लेकिन लगाने की विधि है। अगर आप भोग लगाना चाहिए, फल लाओ, एप्पल लाओ, कोई अमृत लाओ, कोई भी फल ला के काट करके भोग लगाओ। खाना भी सब लोग ज्ञान में नहीं चलते ना, स्वच्छता नहीं है। अगर घर में परिवार में सभी ज्ञान में चलते हैं, सफाई है, सवेरे नहीं करना, सवेरे जा स्कूल में जा रहे, कोई नौकरी में जा रहे, दिन में स्नान करके प्यार से बाबा को स्वच्छता से खाना बनाकर दिन में भोग लगाओ, ठीक है? सब ज्ञान में जहां चलते वहां, किसी के घर में कुछ प्याज लहसुन कुछ खाते हो भोग लगाना नहीं, लगाना ही चाहते हो तो फल से लगाओ, हर चीज के निवारण है ना। अगर ऐसी समस्या है, नहीं लगाना, आपकी भावना को काटता नहीं बाबा, अच्छे भोग दूरे लगाओ, फल से लगाओ, भगवान से फल से भी प्यारा है, चलेगा? ठीक है, समझ में आया? भोग कैसे लगाना, क्यों कैसे?